बीते 24 घंटे में रीवा में 42.6 मिलीमीटर, वहीं त्योथर में 78 मिलीमीटर बारिश हुई है। रीवा शहर के बीचों बीच बहने वाली बिछिया बीहर लबाला रात को बारिश हुई तो सोमवार की सुबह निचले इलाकों में पानी आ सकता है। कांग्रेसियों ने रीवा को सूखा ग्रस्त घोषित करने की मांग की थी। बीते 24 घंटे में रीवा में 42.6 मिलीमीटर बारिश हुई, वहीं त्योहत्तर में 78 मिलीमीटर बारिश हुई। रीवा शहर के बीचों बीच बहने वाली बीहर बिछिया लबालब हो गई है। रात को बारिश हुई तो सोमवार की सुबह निचले इलाके में पानी आ सकता है। कांग्रेसियों ने रीवा को सूखाग्रस्त घोषित करने की पिछले दिनों ही मांग की थी। रीवा में विपक्षी दल कांग्रेस ने सूखाग्रस्त घोषित करने की मांग की थी रीवा को। शायद यह बात ऊपर वाले को अच्छी नहीं लगी, उसने सूखे की बजाय रीवा को बाढ़ग्रस्त बनाने का निश्चय कर लिया। आज के माहौल को देखकर कुछ ऐसा ही कहा जा सकता है। पिछले दिनों पूर्व मंत्री कमलेश्वर पटेल और राज्यसभा सदस्य राजमणि पटेल ने बाकायदा पत्रकार वार्ता करके रीवा को सूखाग्रस्त घोषित करने की मांग की, लेकिन शनिवार की शाम से ही बादल घूमड़ घूमड़ कर बरसने लगे। रीवा में जोरदार बारिश हो गई। मौसम विभाग की माने तो रीवा में 42.6 मिलीमीटर बारिश हुई, वहीं त्योथर में सबसे ज्यादा 78 मिलीमीटर बारिश हुई है। रीवा शहर के बीचों बीच बहने वाली बीहर बिछिया नदी में काफी पानी आ गया है। थोड़ी बारिश अगर और हुई तो निचले इलाके में पानी घुस जाएगा। रीवा के बिछिया पुल, छोटी पुल और बड़ी पुल पर रीवा शहर के लोग बारिश के मौसम में पहली बार बाढ़ का नजारा देखने के लिए एकत्र हुए। वहीं जवा त्योथर के निचले इलाके के रहने वाले लोगों को चेतावनी दी गई है, नदी के पास ना जाएं। तमस नदी बाढ़ पर है। मौसम विभाग भी ऐसा कह रहा है, अभी और बारिश होगी। ऐसे में निचले इलाके के रहने वाले लोगों के चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ तौर से दिखाई दे रही हैं। अगर रात को बारिश हुई तो सोमवार की सुबह रीवा शहर का नजारा बदल भी सकता है। रीवा शहर के निचले इलाकों में पानी आ सकता है। माना जा सकता है जुलाई अगस्त में रीवा में बारिश नहीं हुई, अब हो रही है तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही। मौसम विभाग के अनुसार अभी रीवा जिले में 408.9 मिलीलीटर वर्षा हुई है, जो जिले की औसत वर्षा 635.7 मिलीमीटर से काफी कम है। माना जा सकता है लगभग 220 मिलीलीटर बारिश अभी तक कम हुई है औसत वर्षा अगर माना जाए तो। जिस तरीके से रीवा में पिछले 24 घंटे से बारिश हो रही है, अगर ऐसी ही बारिश होती रही तो हम कह सकते हैं औसत वर्षा तक जल्दी पहुंच जाएंगे। फिलहाल शहर के बीचों बीच बहने वाली बीहर और बिछिया नदी उफान पर है। निचले इलाके के रहने वाले लोग सतर्क हैं। रात की बारिश अगर हुई तो सुबह स्थिति बिगड़ भी सकती है, हम साफ तौर से कह सकते हैं। पिछले रिकॉर्ड को देखते हुए माना जा सकता है जिस तरीके से बीहर और बिछिया लगातार पानी बढ़ रहा है, हम आपको आपके टीवी स्क्रीन पर भी वो दृश्य दिखा रहे हैं। नदी में लगातार पानी बढ़ रहा है। निचले इलाके के लोग काफी हैरान परेशान नजर आ रहे हैं। उन्होंने नहीं सोचा था रीवा शहर में एकाएक इतनी बारिश हो जाएगी, लेकिन बारिश लगातार हो रही है। अगर अमरपाटन और गुड़ के इलाके में जोरदार बारिश होती है तो उस इलाके का पानी बीहर और बिछिया नदी के से रीवा शहर में प्रवेश करता है। अगर ये पानी प्रवेश करेगा इन जगहों पर अगर बारिश हुई तो निश्चित रूप से रीवा शहर में बाढ़ के हालात बन सकते हैं। फिलहाल अभी पिछले 3-4 घंटे से बारिश कम हो गई है, लेकिन मौसम विभाग ने साफ तौर से चेतावनी देते हुए बताया है रीवा संभाग में भारी बारिश हो सकती है। अगर भारी बारिश हुई तो निश्चित रूप से हालात बिगड़ भी सकते हैं।